बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम ज़ाविया में मैं हूँ आपका मेज़बान जवाद। सबसे पहले मुल्की सियासी सूरत हाल की बात की जाए तो मुल्की सियासी सूरत हाल में इस वक्त उखाड़ बिछाड़ भी जारी है, जहाँ पर काबीना के वफाकी काबीना के इजलास कुछ ना कुछ देर बाद होते नज़र आ रहे हैं। पार्लियामेंट की सूरत हाल देखी जाए, ख्वाब वो शहर इकतदार में हो या कि सिंध में हो, किस तरह से एक दूसरे पर सियासी जो मुखालफीन हैं एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले भी करते हैं और एक दूसरे को बिछाड़ने की कोशिश भी करते हैं। हत्ता कि सिंध असम्बली की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ भी वहाँ पर क्या हुआ सबके सामने आया, जिस तरह से किस तरह की गुफ्तगू इस्तेमाल की गई। आखिरकार अवामी नुमाइंदे हैं, इस तरह की अगर ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे तो जब ये इलेक्शन मुहिम के दौरान अवाम में जाते हैं तो फिर ये क्यों गिला करते हैं कि हम पर क्यों इस तरह के बहतान लगाए जा रहे हैं, हमारे खिलाफ़ प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। जब आप अवामी नुमाइंदे हैं, जब आप इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे, वो भी ऐवान में जो कि एक मुकद्दस जगह है, जहाँ पर सब लोग ये तो कह देते हैं कि मुकद्दस है मुकद्दस है मुकद्दस है, मगर उसका मुकद्दस को उसकी इज़्ज़त को पामाल करते हुए भी यही लोग नज़र आते हैं। और पामाल किस तरह से किया जाता है, ना सिर्फ लफ्ज़ों की गोलाबारी से बल्कि बहुत से तरीक़ों से उसकी पामाल की सामने आती है। इस तरह से आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफ़ाकी काबीना का इजलास, जिसमें 20 निकाती एजेंडे पर भी गौर जारी है, जिसमें ख़ास तौर पर वीज़ा पॉलिसी है उस पर भी गौर किया जा रहा है, उसमें कुछ नरमी है, बहुत सी जगह पर ऐसे हैं, ई वीज़ा है, ऑन अराइवल वीज़ा है, वो भी सामने आया, जहाँ पर मुल्कों की तादाद बढ़ा दी गई है, जिसमें 96 हैं वो ममालिक कर दिए गए हैं। उससे आगे बढ़ें तो उससे बाद ये चीज़ देखी गई कि जहाँ पर सहाफ़ियों के लिए भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वीज़ा का इजरा कर दिया गया है, और भी इस तरह के जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई है, पाकिस्तान में करप्शन है वो एक पॉइंट यानी कि कम हो गई है, जबकि अमेरिका उसमें आगे की जान चला गया। अगर बात की जाए मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी साहिब की, जिनका काज लिस्ट में नाम तो नहीं आया मगर उनकी समाअत होगी, तब्दीली आई है। ये कहा गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बात की जाए, जहाँ पर अथर मिनुल्ला साहब ने कहा कि सियासी केसेस आखिरकार आप क्यों यहाँ पर ले आते हैं, ये पार्लियामेंट का काम है, वहाँ पर करें, कमेटियाँ बनाएं, वहाँ पर मामलात होने चाहिए। और अफगान जो मुज़ाकरात हैं अमन अमल है वो भी उसमें भी एक बहुत बड़ी पेशकश आई है, जहाँ पर तालिबान ने कुछ नरमी का गोशा इख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी मोनोपोली सिस्टम नहीं चाहते, हम इजारादारी नहीं चाहते, बल्कि हम इदारों के साथ मिलकर चलने के लिए आगे तैयार हैं। इन तमाम जो मौजूद हैं इन पर हम आज यानी कि अपने पैनल से राय लेंगे। आपको बताएं कि इस वक्त हमारे साथ जो पैनल में मौजूद हैं स्टूडियो में, राजा सुहेल साहब कालम नगार हैं, राजा सुहेल साहब खुश आमदीद आपको कहते हैं, उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं इनाम शेख साहब, तजियाकार भी हैं और एंकर पर्सन भी है, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, एहसान बटालवी साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ बरजमान हैं, नशिस्त पर मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं शेख साहब की जानिब बढ़ूँगा। शेख साहब, वफाकी काबीना का इजलास 20 निकाती एजेंडे में 20 निकात जिन पर गौर किया जा रहा है, सबसे पहली बात है वीज़ा पॉलिसी की, जहां पर कुछ नरम जो सॉफ्ट कॉर्नर हैं उनको टच करने के मुतल्लिक भी ब्रीफिंग हो रही है, कैसे देख रहे हैं सर, अगर काबीना वीज़ा पॉलिसी में नरमी कर देती है तो बैरून मुल्क सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि सरमायाकारों के लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा, और बिजनेस मैन है उनके लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर यानी कि रखा गया है। इससे पहले हुकूमतों को अगर इस हुकूमत को कंपैरिजन किया जाए तो ये पाकिस्तान आने वाले दिनों में ये किस जगह पर स्टैंड कर रहा है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जवाद। जवाद, ये तो बहुत एक खुशाइन बात है कि पार्लियामेंट का काम है कि वो लेजिस्लेशन करे, और अच्छा है पीटीआई की गवर्नमेंट लेजिस्लेशन की तरफ जा रही है, चीज़ों को बेहतर करने की तरफ जा रही है, इस हद तक तो बिल्कुल ठीक है। आज से अगर आप पीछे चले जाएं कोई 10 साल या 15 साल, तो हमारे यहाँ वीज़ा पॉलिसी नहीं थी, जो मर्जी जैसे मर्जी जब मर्जी आ जाता था। लेकिन उसके बाद फिर अदारों ने जब देखा कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स हो गया है, आज यकीन कीजिए कि पाकिस्तान का वीज़ा लेना सबसे मुश्किल है। सब जिन लोगों ने भी पाकिस्तान आना होता है पहले वो पाकिस्तानी एम्बेसी को अप्लाई करते हैं, 1.5-2 माह का प्रोसेस है, और बकायदा उसके अंदर फिर ये सारी चीज़ें चेक होती हैं, डाटा चेक होता है, और फिर उसके बाद आने दिया जाता है। सही। अब क्योंकि हालात थोड़े से नॉर्मलाइज हो गए हैं और आपके अफगानिस्तान में भी हालात काबू में आ रहे हैं कुछ, इस वजह से अब वीज़ा पॉलिसी को थोड़ा नरम किया जा रहा है, और गवर्नमेंट सही कर रही है वीज़ा पॉलिसी नरम करके, क्योंकि जब आपने टूरिज्म को अट्रैक्ट करना है तो इतनी स्टिफ वीज़ा पॉलिसी के साथ आप फिर नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे। सही। अगर आपने बाहर से इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है तो फिर भी आपको उनको रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी, इन्वेस्टर के साथ बहुत सारे वफ्त के अंदर और भी लोग आते हैं, तो आपको वीज़ा पॉलिसी के अंदर नरमी करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली वो चेक एंड बैलेंसेस आजकल क्योंकि दुनिया चेंज हो गई है, साइंटिफिक बुनियादों पर हो रहा है, आज से 15-20 साल पहले और सिस्टम था, तो अब वो चीज़ें क्विक फॉर्म के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं। सही।
तो ये एक अच्छा एकदम है पीटीआई का, वी मस्ट अप्रिशिएट इट। सही। अच्छा मैं राजा साहब आप कैसे देख रहे हैं सर, नरमी होनी चाहिए कोई नो डाउट के इसमें, जैसा कि इन्होंने भी बात की है शेख साहब ने भी कि सियाहत के हवाले से ये बड़ी खुशाइन बात है, सरमायाकार हैं उनके साथ वक्त आते हैं डेलीगेशन आते हैं, अगर 1.5 माह में इस तरह से प्रोसेस होगा, अब ऑन अराइवल वीज़ा भी आ रहा है, तो इससे सर सिर्फ सियाहत में ही आएगा या कि हमारे यहाँ सरमायाकार है वो भी बड़े खुले दिल से आने के लिए तैयार हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच जी। इसमें ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि एक तो वीज़ा पॉलिसी में जो नरमी होगी वो टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत अट्रैक्ट करेगी, इससे आपका टूरिज़्म बहुत बढ़ेगा, उसके साथ साथ फिर आपका बिज़नेस जो है, जो आपका जो लोग बिजनेस मैन जो यहाँ पाकिस्तान में बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए इसके इसमें बहुत बड़ी सहूलत पैदा होगी उनके लिए वीज़ा में नरमी के लिए। तो इस सूरत हाल में इन्वेस्टर को अट्रैक्शन मिलेगी कि पाकिस्तान में आएगा, अपना वो फाइनेंस लेके आएगा, यहाँ बिज़नेस की एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, बिज़नेस की एक्टिविटी बढ़ेंगी तो उसमें जारी बात है कि आपकी जो ये माशी मुश्किलात हैं ये दूर होंगी, पैसे की फरवानी होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी बेहतरी की। आप कहना चाह रहे हैं इन्फ्लेशन रेट भी हमारा नीचे जाएगा? जी बिल्कुल, इन्फ्लेशन रेट नीचे जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और इसमें और बहुत सी चीज़ें जो हैं जो मुल्क के लिए बेहतर होंगी वो सारी इसमें इंक्लूड हैं, ये एक अच्छा स्टेप है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सही। अच्छा बटालवी साहब, टूरिज्म बात की जाए, जैसा कि मेरे दूसरे दोनों मेहमानों ने बात की है, खान साहब ने अपनी तकारीर में अक्सर वो टूरिज्म को बड़ा यानी कि फोकस करते थे, उन्होंने खैर के पी के में भी काम किया, इस हवाले से बड़ा काम किया, उन्होंने बेशबहा अपनी तकारीर में भी ये बात करते रहे कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे ऐसे मकामात हैं जहाँ पर अगर उन्हें थोड़ा सा उन पर तवज्जो दी जाए तो वहाँ पर बैरून मुल्क से टूरिस्ट इतने आ सकते हैं कि हम अच्छा खासा वहाँ से पैसा कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। वीज़ा में सर नरमी हो गई, ठीक है, उसमें पॉलिसी पर भी गौर किया जा रहा है, हमारे यहाँ इन्वेस्टर भी आ रहा है, हमारे यहाँ सब कुछ हो रहा है, मॉरिशस स्टैंड हो रही है, मगर सब इस तमाम मामलात में हमारे यहाँ एक गरीब का कहाँ स्टैंड करेगा सर, आने वाले दिनों में कैसे देख रहे हैं सर इस तमाम निज़ाम को? जवाब, पहले तो मैं वीज़ा पॉलिसी की बात कर लूँ, फिर इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद सियाहत की। आप यहाँ याद करें कि सबसे पहले ये चीज़ें हमने अपने प्रोग्राम्स में शुरू की थी और इमरान खान साहब को सजेशंस दी थी कि वो ये काम कर ले तो पाकिस्तान की सियाहत का प्रमोशन का काम आसान हो जाएगा। सही। हमारे कम कम 3-4 प्रोग्राम इस पर थे और उसके बाद जब उनकी तकरीर आई तो रॉयल टीवी को यह एजाज़ है कि उन खान साहब की तकरीर में वो सारे पॉइंट्स शामिल थे जो हमने ना सिर्फ डिस्कस किए थे बल्कि सजेस्ट किए थे खान साहब, खान साहब को मुखातिब करते हुए। सही। अब भी मैं आज भी खान साहब को ही मुखातिब कर रहा हूँ, आप एक उसके लिए मीडियम है कि खान साहब तक ये बात पहुँचे, बिल्कुल पहुँचनी चाहिए कि जब तक वीज़ा पॉलिसी कोई मैटर नहीं करती, मैं आपको ये बता दूँ, मैं पूरा जोर दे के कह रहा हूँ, वीज़ा पॉलिसी उस वक्त आपके फ्रूटफुल होगी कि अगर आपका लैंड ऑर्डर का मसला ठीक होगा। सही। आपने गिलगित हंजा आज़ाद की फिर बंदे तो भिजवा दिए टूरिज्म के लिए, लेकिन उनके पीछे ये नवाज शरीफ और जरदारी के इंडियन एजेंट जो है उनके पीछे लग गए और जो इन्होंने जो अफगानिस्तान के रास्ते इनके आते हैं दहशतगर्द वो पीछे लग गए, 2-4 अगर टूरिस्ट वहाँ खुदा ना खास्ता उन्हें कोई जानी माली नुकसान पहुंच गया तो आपकी सारी वीजा पॉलिसी धरी की धरी, जैसे कि पहले भी होता रहा, वो जैसे शिमाली इलाका जाते हैं, बालाई इलाका जाते हैं। हाँ, जवाब मैं इसके आगे आगे लेके चलता हूँ। ये लैंड ऑर्डर, इसके लिए मेरी एक तजवीज है, जिस तरह कराची में कातलों को इन्होंने जिसे पंजाबी कहते हैं नथ डाली थी, इन इलाकों में भी जब ये बाढ़ लग रही है, अफगानिस्तान के साथ दीवार बन रही है, इंशाल्लाह जल्दी ये दीवार बन जाएगी और वहां से ना इंडियन एजेंट घुस सकेगा, ना अफगानी इंडियन एजेंट बन के घुस सकेगा और ना जो पाकिस्तानी इंडियन एजेंट बैठे हैं यहाँ पे, हाँ। जो सदर भी रहे, जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे, अच्छा। ना वो कोई उनका कोई अमल दखल हो सकेगा। सही। और उसके बाद आपका टूरिज्म प्रमोट होगा, टूरिज्म खाली टूरिज्म नहीं होगा बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ ऐसे ऐसे फल हैं जिनकी कीमत पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, मतलब ब्लैक चेरी एक तोहफा है पूरी दुनिया में, और अमेरिका में अगर किसी को आप फल देना चाहें
اور بلیک چیری اسے آپ گفٹ دیں تو وہ آپ کا ساری عمر احسان مند رہتا ہے, یعنی کہ وہ آپ کے بہت قریب ہوتا ہے گفٹ. تو ویسے یہ چیز میں شیخ صاحب کی جانے والا ہوں. ایک سیکنڈ ابھی تھا, جہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی میری. آپ نے ویزا پالیسی کی بات کیا, ویزے کا تعلق باقی چیزوں سے بھی ہے. جی جی, آپ نے ویزا پالیسی اناؤنس کر دی, آپ نے امن و امان کا مسئلہ ٹھیک نہیں کیا. دوسرا, آپ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ آئے گی, میں کہتا ہوں کہاں سے آئے گی. آپ کے 35 محکمے ہیں جو بھیڑیوں کی طرح اور مگر مچھوں کی طرح منہ کھول کے رشوت کے لیے بیٹھے ہیں. جس ملک کا پریزیڈنٹ رشوت میں پکڑا جا رہا ہو اور 262 ارب اسے اندھو کانوں لنگڑے لولوں کے ناموں پہ منی لانڈرنگ کی ہو, جس ملک کا پرائم منسٹر جیل میں ہو, وہاں کون آئے گا انویسٹمنٹ کے لیے؟ تحقیقات بھی ہو رہی ہے نا. اب تو انہوں نے ضمانت کا بھی کہہ دیا, آج ان سے ملاقات کا دن ہے تو ملاقات میں وہ کہہ رہے ہیں ضمانت ہو باہر آئیں. برجیز طاہر صاحب نے بڑی گفتگو کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جناب ضمانت کورٹ نے لینی ہے, عمران خان نے نہیں لینی. جناب امان وہ برجیز طاہر صاحب سے, یعنی کہ وہ سوال و جواب بھی ہوتے رہے ہیں. میں تو اب اس وقت شیخ صاحب کی جانب میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ شیخ صاحب جس میں انویسٹمنٹ فرینڈلی ایٹماسفیئر ہو, میں یہ کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک ہو گیا جی. میں شیخ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بٹالوی صاحب تو کہتے ہیں جی یہاں پر معاملات کچھ اور ہیں, صرف ویزا میں نرمی ہی نہیں بلکہ سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی اور دوسرے ان کے ساتھ جو ادارے ہیں ان کو بھی بالکل ایکٹیو کرنا ہوگا, سیم اسی طرح جس طرح سے آپ کے سیکیورٹی اداروں نے کراچی میں آپریشن کر کے جو بھی لوگ تھے انہیں کیفری کردار تک پہنچا رہے ہیں, پہنچایا نہیں ابھی بھی پہنچا رہے ہیں. یہ بھی دیکھیں کیسے دیکھ رہے ہیں سر, کن کن اداروں کو اس وقت بالکل اس معاملے میں متحرک کرنا ہوگا اور انہیں ایکٹیو کرنا ہوگا اور انہیں کاروائی کی اجازت بھی دینی ہوگی. ایسی کاروائی نہ ہو جیسی کہ ثانیہ ساہیوال میں ہوگی, ایسی کاروائی نہ ہو جیسا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں کاروائی کی اجازت دینی ہوگی. پاکستان از ون آف دی اسٹیفسٹ کنٹری, جدھر ابھی کی جو ویزا پالیسی ہے بہت اسٹیف ہے. اگر آپ نے باہر سے ویزا لینا ہو, کیونکہ میرے بہت سارے فرینڈز آتے رہتے ہیں تو بتاتے ہیں اٹس ویری ڈیفیکلٹ. چائنیز کے لیے انہوں نے ایک اسپیشل طریقہ کار اپنایا ہوا ہے کہ جو چائنیز آتے ہیں ان کو آپ ایک امیرکن کی جس طرح گرین کارڈ اسکیم ہے, اس طرح چائنیز جب پاکستان آتے ہیں تو ان کو آپ ایک کارڈ دے دیتے ہیں. وہ نیشنلٹی نہیں ہوتی پاکستان کی, لیکن وہ ادھر اسٹے کر سکتے ہیں, بزنس کر سکتے ہیں, وہ بھی بتا کے. جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی بات ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بٹالوی صاحب. آپ خود بھی کہیں باہر جاتے ہیں کسی بھی ملک میں تو آپ کبھی بھی ایسے ملک میں جانے کی کوشش نہیں کرتے جہاں پہ لا اینڈ آرڈر خراب ہو. بالکل, آپ اس جگہ جاتے ہیں نمبر ون لا اینڈ آرڈر صحیح ہو, نمبر ٹو آپ کو ہیلتھ کی ان کیس آف میڈیکل پرابلم ہیلتھ کی آپ کو فیسلٹی مل جائے, نمبر تھری آپ کو ایک کنسسٹنٹ اور پرسسٹنٹ ایک آپ کو ہوٹلنگ کا سسٹم ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ سردیوں میں مری گئے اور 20,000 روپے کا بوسیدہ کمرہ مل گیا جس کی ٹوٹل ویلیو 2,000 بھی نہیں ہے. اب آپ باہر جاتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ ایک سسٹم بنائے ہوئے, ان کے چیک اینڈ بیلنس ہیں. آپ اس ہوٹل کو وہ اوور چارج آپ کو نہیں کر سکتا. ٹیکسی ادھر آپ کسی ٹیکسی میں بیٹھ جائیں گے, وہ 19-20 تو کر سکتا ہے, وہ 10-20 نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے, ہمارے یہاں تو ٹیکسی والا منمانی کرے گا اپنی. صحیح, تو یہ ساری چیزیں چیک کرنی پڑتی ہیں. لیکن گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا کام کیا, انہوں نے یہ کیا ہے کہ جس ٹائم پہ کوئی بھی باہر سے ٹورسٹ آتا ہے تو ایئرپورٹ کے اوپر ہی انہوں نے کاؤنٹرز بنا دیے ہیں, اور ان کاؤنٹرز میں وہ چائنیز کو تو اسپیسیفکلی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس سیکیورٹی ہے یا ہم آپ کو اپنا پولیس کا گن مین ساتھ دیں. صحیح, تو ایئرپورٹ سے ہی ان کو باقاعدہ ایک سیکیورٹی پرووائڈ کر دی جاتی ہے. صحیح, اسی طرح اگر یہ ٹورسٹ کو بھی سیکیورٹی پرووائڈ کر دیں کہ آپ نے جس جگہ جانا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹورسٹ اسپاٹ ہے, اور اس جگہ پہ ان کو ساتھ ایک گن مین دے دیں, سیکیورٹی دے دیں, تو اس میں کوئی ہارم نہیں ہے. راجہ صاحب سیکیورٹی دے دی جائے, مطلب شروع تو کریں نا, کہیں سے شروع تو کریں نا, راجہ صاحب سیکیورٹی دے دیں اگر اس طرح سے ٹورسٹ آنا شروع ہو گئے. جواد, ہر بندے کے ساتھ گن مین نہیں دیے جا سکتے, یہی چیز میں راجہ صاحب جان, اور یہ کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. میں راجہ صاحب, سیکیورٹی اس علاقے کو سیکیور کرے, اس علاقے کو سیکیور. راجہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر, اس طرح اگر آنا شروع ہو گئے, سیاح آنا شروع ہو جاتے ہیں, جس طرح ادھر کے لوگ اپنی چھٹیاں منانے یا کہ سیر و سیاحت کے لیے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں, تو وہاں پر اسی طرح سیکیورٹی اگر دینا شروع کر دی جائے, اسی طرح سے جس طرح سے اس ریشو سے پاکستان سے جاتے ہیں اس ریشو سے ادھر آنا شروع ہو گئے, تو ہم تو سر ہمارے سیکیورٹی اداروں کی اگر کارکردگی دیکھی جائے یہ تو بڑا مشکل سا ہے. دیکھیں سر, ٹورزم جو ہے یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے. ملیشیا جو ہے سر اس وقت 20 ارب ڈالر سالانہ اس ٹورزم انڈسٹری سے کما رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ترکی جو ہے وہ 40 ارب ڈالر جو ہے سالانہ ٹورزم سے کما رہا ہے. اس کے پاس بیچ ہے اور ہسٹوریکل ٹورزم ایک ہوتا ہے جس میں پرانی عمارات ان کے پاس موجود ہے. ہمارے پاس تو سر اس سے بھی بڑھ کے بہت بڑا ساری چیزیں موجود ہیں. بالکل, سمندر ہے, ہسٹوریکل ہندوؤں کی مقدس جگہ ہیں, عیسائیوں کی مقدس جگہ ہیں, ہمارے پاس بدھ مت کی مقدس جگہ ہیں. پاکستان سیکیورٹی کی,
सिक्योरिटी जिस तरह शेख साहब कह रहे हैं कि हर अब टूरिस्ट को एक सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कर दिया जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। और नहीं, नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये एयरपोर्ट पे हो रहा है इस टाइम, जो चीज़ हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूं, इन्वेस्टर के लिए हो रहा है सर, वो तमाम चाइनीज के लिए हो रहा है, क्योंकि मैं खुद उधर मेरा क्योंकि है, तो तमाम चाइनीज को वो दे रहे हैं सिक्योरिटी जब वो बाहर निकलते हैं। मैं चूंकि पुलिस को भी जानता हूँ और ये सिस्टम को भी जानता हूँ, मैंने खुद जो ये पुलिस के अंडर नहीं है, जो ये पुलिस के अंडर जो मेरे इन्वेस्टर आते थे चाइना से, मैं खुद रिक्वेस्ट करता था, हाजी से लेटर भेजता था कि इनके साथ कोई को गार्ड दे दे, लेकिन वो इन्वेस्टर थे। जवाब साहब, फिलहाल तो वो पॉसिबल नहीं है कि हर टूरिस्ट को एक गाइड दे, हर टूरिस्ट को एक शॉर्टकट दे, लेकिन ये है कि इंडस्ट्री अगर आपके फ्लोरिश करती है आगे, नेक्स्ट को आफ्टर 10 ईयर्स को इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर आपका इसमें इनकम आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि आप एक्सपेंस अफोर्ड कर सकते हैं कि हर टूरिस्ट को एक आप सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कर दें, तो उसमें हर्ज भी कोई नहीं है। लेकिन मैं इसके इससे हट के एक बात कर रहा कहता हूं कि बजाय ये कि आप हर टूरिस्ट को एक सिक्योरिटी गार्ड दें, आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करें, एक ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट करें कि किसी टूरिस्ट को सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत ही ना पड़े। अब जब छुट्टी जो होती है वो मेरी नज़र में एक सुकून का नाम है, सैर तफरी जो है वो मेरी नज़र में सुकून का नाम है। यही पॉइंट मैं कहना चाह रहा था, अगर आप पुलिस की मौजूदगी में अपनी फैमिली को लेके वो क्या तफरी करेगा, प्रेशर में आके जाएगा वो, प्रेशर में होगा बेचारा, ठीक ठीक करे, कुछ भी हो सकता है। राजा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं राजा साहब की बात पे आगे बढ़ा। अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको वहाँ पे सुकून महसूस होना चाहिए, जिस तरह ये पिछले दिनों आपने वाकयात सुने होंगे, मरी में कुछ वाकयात हुए या कुछ करवाए गए कि जिस तरह उन्होंने वो स्याहों को परेशान किया, बिल्कुल कोई टैक्सी ड्राइवरों ने और बाकी वहाँ के दुकानदारों ने खवातीन के साथ बदतमीजी की। अब देखें वो इस तरह की जो सैर तफरी वो तो कोई नहीं करना चाहेगा ना, ना कोई इस तरह के वाकया सुन के वहाँ पे आएगा। मैं शेख साहब की शेख साहब जैसा कि बात सिक्योरिटी की भी चल रही है, राजा साहब ने बड़ी प्यारी बात की, अगर इसी तरह से लोग सुकून लेने आते हैं और बेसुकूनी में वो सुकून ढूंढते फिरेंगे तो वो क्या सुकून ढूंढेंगे। खान साहब को क्या देखना चाहिए आपने प्रोग्राम की, वैसे शेख साहब आपने तो शुरू में बात कर दी है कि सिर्फ यही चीज़ नहीं है, 20 रुपए की चीज है, 19-20 तो चल जाएगा, 19-120 नहीं चलेगा, तो फिर ये कैसे सर। मगर यहाँ पर तो ये सर मोनोपोली सिस्टम है, जिसका दाल लगता है वो उस तरह लेकर बैठा है, वो फेरने के लिए आश्रय ही नहीं करता। जवाब, अभी हमारे यहाँ क्योंकि क्रिकेट टीम्स आ नहीं रही बड़े अरसे थे, लेकिन जब आया करती थी तो आप यकीन कीजिए लिबर्टी के अंदर रेट्स हमारे लिए कुछ और होते थे और क्रिकेट टीम जब आती थी उनके लिए कुछ और रेट्स होते थे। सितम ज़रीफ़ी नहीं है वैसे, ये गलत चीज है ना, देखिए फिर इसको इसको डिसऑनेस्टी कहते हैं। हमारे मुल्क से क्या लेके जा रहे हैं, वो बैड इंप्रेशन लेके जाते थे और क्या लेके, और वो आजकल की दुनिया में तो इंटरनेट पे हर चीज अवेलेबल है, रेट अवेलेबल है, बिल्कुल इसी तरह वो आने से पहले हर चीज हर बंदा सर्च करके आता है कि मुझे इसका ये रेट मिलेगा। दूसरा इशू ये आ रहा है कि हमारे यहाँ अगर आप नॉर्दर्न एरियाज की बात करते हैं तो रोड्स इतनी अच्छी नहीं है। अब ट्रैवल करके जब टूरिस्ट जाएगा तो उसको तो कंफर्ट चाहिए, उसको तो गाड़ी अच्छी चाहिए, सुकून चाहिए। हम जब बाहर के मुल्क में जाएंगे तो हमारी कोशिश होती है कि हमें अच्छी टैक्सी मिले, और उधर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी टैक्सीज रखी हुई है। अब इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जब आप कहते हैं हम टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके फिर स्टेप्स भी लेना शुरू कर देना, खाली कह देने से टूरिज्म नहीं बढ़ेगा। आप उसके लिए अच्छी गाड़ियां प्रोवाइड करें, सड़कें सही बनवाएं, होटल्स को काबू करें, वेटर्स को काबू करें, जिस तरह अभी भाई बता रहे थे कि वेटर्स ने बदतमीजी की ख्वातीन के साथ और लोगों के साथ, तो अगर टूरिस्ट के साथ आप बदतमीजी करेंगे तो पाकिस्तान का तो एक इंप्रेशन बहुत गलत जाएगा बाहर। तो ये सारी चीजें पहले कंट्रोल करने के बाद, बेशक इसमें 3-4 माह 6 माह ताखीर हो जाए, लेकिन अपना होमवर्क पूरा करके फिर उसके बाद शुरू करें, बजाय इसके कि आप पहले कर दें और बाद में देखें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वन बाय वन उसको एड्रेस करना शुरू हो जाएं, हिट एंड ट्रायल के तरीके से कि अच्छा ये प्रॉब्लम आई है अब इसको हल करते हैं, ये पूरा पूरा एक प्लानिंग करके इसको बाद आप फिर लॉन्च करें। आपने बात की कि जी नॉर्दर्न एरियाज में बहुत सारे लोग जाते हैं, मैं इससे एग्री नहीं करता, उसकी वजह यह, आप मलेशिया चले जाएं, उन्होंने जेनेटिक हाइट जिस तरह बनाई हुई है, उन्होंने एक पूरी चेयर लिफ्ट लगाई हुई है पूरी लंबी, इस तरह की आपको चीजें लगाएं। अब टूरिस्ट ने आके अट्रैक्शन के लिए देखिए उसको ऊपर अगर पहाड़ पे जाना है जिधर बर्फ जमी हुई है, कोई ना कोई चेन, कोई ना कोई तरीका होगा, या उसके करीब करीब उसको लेके जाए कि उसको खूबसूरती नजर आए, खाली उसने सड़कें तो नहीं देखने आनी। बिल्कुल यही बात है। मैं आगे बढ़ता हूँ जी, इस वक्त जो है ब्रेक भी लेनी है, मगर ब्रेक पर जाने से पहले आपको ये बताऊं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आसिफ अली जरदारी का जो है वो केस की समाप्त होगी, जिसके हवाले से एक बड़ी चेंजिंग नजर आई है, जहां पर अतर मिनुल्ला साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे गुज़श्ता रोज़ भी कि कुछ सियासी केसेस हैं वो यहां पर क्यों ले आते हैं, जहां पर इसकी जगह है, जो इसका बाकायदा तौर पर फॉरम है वहां पर ही इनको लेकर जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। बटालवी साहब क्या कहते हैं, उनके लिए बाकायदा तौर पर जैसा कि अब तब्दीली है वो सिर्फ कोर्ट्स में नज़र आ रही है या कि वाकई तब्दीली नज़र आ रही है? जवाब, तब्दीली तब आएगी जब ये मौशी ड्रैकोला अपने खून आलू दांत दिखाने से बाज आ जाएंगे
और इनके दांत तोड़ के इन्हें अपनी अपनी जो जेलों के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सही। ये उस वक्त तक तब्दीली मुल्क में नहीं आ सकती। और मौशी डैकोलाज अब इतने ज़्यादा हो चुके हैं, इतनी उनका फैलाव हो चुका है कि हर आदमी उनसे खौफजदा भी है और दहशतजदा भी है। सही। सबसे पहले हमने इन्हें कंट्रोल करना है, उसके बाद आप जो तब्दीली की बात करते हैं वो तब्दीली मेरे भाई किसी भी मुल्क में, अब जो चाइना का आप कह लें फादर था, उससे तब्दीली वो कैसे लेके आया? उसे इंसानों का, उसने कहा जी पहले इंसानों का तब्दील करना है। सही। इन्हें इखलाकियात के दायरे में लाना है, इन्हें उस सतह पे लाना है जहाँ ये नशे को छोड़ के प्रैक्टिकल लाइफ में आए और इस मुल्क की में मुल्क की सनती तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट करें। सही। इसी तरह हम जब तक तालीम 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 नंबर वन, इखलाकियात 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 नंबर टू, और हमारे पास एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ऐसा निसाब है कि अगर हम सिर्फ उसको आम कर दें और किसी अच्छे हाथों में, संजीदा लोगों के हाथों में और उन लोगों के हाथों में जो दर्द दिल रखते हैं, खौफे खुदा रखते हैं, उनके जरिए इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्राम बना दें जो साफ तरीके से उसको सामने लाएं, तो कोई वजह नहीं तब्दीली नहीं आएगी। वो निसाब है, वो निसाब है कुरान और हदीस। कुरान और हदीस कोई शक नहीं है जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, लाराइब किताब है। अच्छा, आप मैं टूरिज्म की एक बात और करना चाहता हूँ जी। कोरिया के साथ एक छोटा सा जजीरा है चंद किलोमीटर का, उस जजीरे पे 8 लाख टूरिस्ट डेली उतरते हैं और 8 लाख डेली वापस जाते हैं। ये हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर सर, और चेक एंड बैलेंस को भी मेंटेन करना होगा। यहाँ पर मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि जब ब्रेक सर वापस आएंगे तो तब्दीली की बात करेंगे कि सिर्फ अदालतों से भी इस तरह की बातें हो रही हैं कि कहाँ पर फोरम है और कहाँ पर जाना चाहिए, किस केस को किस नवयत का है, उसे किसे डील करना चाहिए। दूसरी जानब हम जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो बात करेंगे, लॉन्ग मार्च का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है शहर कायल यानी कि सूबा सिंध की जानब से, वो आखिरकार लॉन्ग मार्च लफ्ज़ है क्या है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं दोबारा। टीका ब्रेक।